राहुल गांधी जी की सोच के अनुरूप युवा कांग्रेस ने राजस्थान के आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए नया सफर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक नई पहल की है। इसके तहत आदिवासी भाई बहनों के हस्तकला से निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य उन्हें सीधा प्राप्त होगा। नया सफर फाउंडेशन जो एनजीओ है उसने इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ और एजीएम मीडिया एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके साथ टाई अप करा है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का अभियान एक इनिशिएटिव चलाने के लिए जिसका नाम है जीविशा जीवन की आशा। जो आज हम आदिवासी जिस शहर में जिस गांव में आए हैं विच इज अमरोली का जो हमारा गांव है यहां पर हम इकट्ठे हुए हैं इन सब आदिवासियों को रोजगार देने के लिए हम उनके लिए एक ई कॉमर्स का वेबसाइट जीविशा चलाएंगे। उसमें हम ये सारे जो सामान है जो इन्होंने बनाए हैं बहुत अपनी कलाकृति का योगदान दिया है इनको हम खरीद कर उन्हें बेचेंगे ऑनलाइन और इन सबको हम रोजगार देंगे। इस अभियान की शुरुआत गणतंत्र दिवस के दिन राजस्थान के बारां जिले के उसी अमरोली गांव से हुई जहां जाकर 2008 में राहुल गांधी जी ने सहरिया जाति के लोगों की तकलीफ और परेशानियों के बारे में जानकारी ली थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अमरोली गांव में हैं, आदिवासी क्षेत्र गांव है जहां पर हैंडमेड आइटम्स बनाए जाते हैं और ऐसी कई कलाएं हैं जो लोगों के बीच में हम दर्शाना चाहते हैं और ये हमारा एक नया अभियान है यूथ कांग्रेस का जिसमें हम ये सभी हैंडमेड गुड्स खरीद कर इनको रोजगार देंगे और ये जितना भी हैंडमेड गुड है नया सफर फाउंडेशन की वेबसाइट पे एक एनजीओ के माध्यम से ई कॉमर्स साइट पे ये सेल किया जाएगा और इनका उचित दाम इन तक पहुंचाया जाएगा। राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए युवा कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए ये कदम उठाया है। आपने हमारा सामान खरीदा हमारे लिए इतनी बहुत हुआ है आपके लिए धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए हमारा रोजगार दिलाया बहुत धन्यवाद।